तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या है, ये एजेस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। 10 साल बाद जो एज का रेशियो आता है 5:3 होता है, तो हमें इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो रेशियो दे रखा है उन्हीं से हम एक्स ए और बी की वैल्यू लेट करेंगे। यानी कि बी 2 और 1 का रेशियो दे रखा है, तो ए की एज हो जाएगी 2x एंड बी की हो जाएगी हमारी 1 × x यानी कि x। ठीक है, तो ये लेट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद बोल रहा है कि 10 साल बाद जो एज का रेशियो है 5:3 हो जाएगा, यानी कि एज ऑफ ए 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2x+10, और बी की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+10। ठीक है, अब इनका रेशियो कितना रखा है, 5:3। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, 2x+10/x+10=5/3। ठीक है, उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x+10 से एंड 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा x+10 से। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6x+30। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एंड 5x+50 हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद गाइज आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 5x है इसको लेफ्ट में भेजेंगे और 30 को उधर भेज देंगे, सो ये हो जाएगा हमारा 6x-5x=550-30। तो ये हो जाएगा हमारा 6-5x क्या होगा, x, एंड 50-30 कितना होगा, 20। तो x की वैल्यू होगी 20। अब आपको सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है टू फाइंड द एजेस ऑफ a एंड b। तो एज ऑफ a हो जाएगी हमारी 2x यानी कि 2×20 यानी कि 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स से एज निकल गई हमारी a की। और एज ऑफ b क्या हो जाएगी हमारी, x यानी कि 20 ईयर्स। समझ में आया, सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक इट। फॉर मोर वीडियो लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टिल देन बाय बाय।